अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं आर के इलेक्ट्रॉनिक्स कराची यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंको कंपनी के वायर स्ट्रिपर का रिव्यू, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंको कंपनी का वायर स्ट्रिपर है, क्या आपको इसे परचेज़ करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये जो इंको कंपनी का वायर स्ट्रिपर है, मैं इसे एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक साल का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, इस बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इंको कंपनी का वायर स्ट्रिपर है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो देखने में काफ़ी अच्छी है और ये हाई स्टैंडर्ड पर बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इससे किस किस तरह के वायर को छील सकते हैं, स्ट्रिप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप जो ये वायर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 736 का वायर है, ये एसी वायर है और ये वो वायर है जो आपके इलेक्ट्रिकल मीटर से आपके घर के अंदर आ रहा होता है और ये काफ़ी मोटा और सख्त होता है क्योंकि इसे पूरे घर का लोड उठाना होता है। अगर आप इसको नॉर्मल किसी प्लास से छीलने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हम इस वायर स्ट्रिपर की मदद से इस वायर को छील सकते हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास कुछ और वायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक यूएसबी केबल का वायर है। तो आप में से बहुत सारे दोस्त ये जानते होंगे कि इसके अंदर और भी बारीक बारीक 4 या 5 वायर होते हैं, तो उन वायर्स के ऊपर भी कोटिंग होती है और मैं उन वायर्स को बाहर निकाल के दिखाऊंगा आपको कि क्या हम उन वायर्स के ऊपर जो बारीक कोटिंग होती है, क्या हम इस इंको कंपनी के वायर स्ट्रिपर की मदद से उन पतली वायर्स को भी छील सकते हैं या नहीं। तो इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, मेरे पास एक ये डीसी फैन है, ये कंप्यूटर्स के अंदर आपने देखा होगा लगा हुआ होता है, कंप्यूटर मशीन्स के अंदर, और उसके अलावा डीसी पावर सप्लाईज़ के अंदर भी ये फ़ैन होता है। और ये जो इनकी वायर होती हैं, ये डीसी वायर होती हैं, ये काफ़ी नरम और पतली वायर होती हैं। तो हम इन वायर्स को भी इससे छील कर देखेंगे कि क्या ये इंको का वायर स्ट्रिपर इन तमाम वायर्स को छीलने की सलाहियत रखता है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पास ये काफ़ी मोटा केबल है, ये जो वायर होता है ये एसी का वायर होता है, जो घर में हमारे एसी होते हैं 1 टन या 2 टन के, ये उनका वायर होता है। तो दोस्तों, क्या हम इस वायर को भी इस वायर स्ट्रिपर की मदद से छील सकेंगे या नहीं, हम ये भी ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वायर से स्टार्ट करता हूँ, ये 736 का वायर है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या हम इस वायर को छील सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो इसका जॉ है, जो इसकी सेटिंग है, यहाँ पे एक इसका स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों, इस स्क्रू को आप जितना टाइट रखेंगे, इसकी पकड़ उतनी ही ज़्यादा टाइट होगी वायर पर। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको टाइट रख के ही यूज़ करें, और अगर आप इसे लूज़ रखेंगे तो जो वायर आप इसमें लगाएंगे छीलने के लिए, ये वायर को स्लिप करेगा। तो वायर को टाइट पकड़ने के लिए हमें इसे पहले टाइट करना होता है। तो इस वक्त ये काफ़ी लूज़ है, मैं इसे पहले टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों, आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, और मैंने इसे तकरीबन मैक्सिमम टाइट कर लिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इससे वायर को किस तरह से छील सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर वायर को हमें इस तरह से रखना होता है, वायर को रखने के बाद हमें इसको पकड़ना होता है कि हम इसे कितना छीलना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसका सिर्फ एक दफ़ा इसको प्रेस करूँगा और ये वायर को छीलता है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने वायर को बड़ी आसानी से छील लिया है। अब मैं इसे निकाल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये वायर जो है इसने किस तरह से छीली है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने वायर को बड़ी ही सफाई से छीला है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर वायर को कट करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ से वायर को कट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इससे वायर को किस तरह से कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वायर को इसके बीच में रखा और जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, इसने वायर को कट कर दिया है और बहुत ही साफ और क्लीन कट इसने किया है वायर को, और एक भी वायर ऐसा नहीं है जो सही से कटा ना हो। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इसमें जितना चाहें उतने साइज़ का वायर छील सकते हैं और ईजीली उसे काट भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्लास्टिक लगा हुआ है,
ये वायर के, अगर आप वायर का साइज़ एक ख़ास साइज़ पर उसको छीलना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इस वायर को, इस प्लास्टिक को, लीवर को जो है इसका, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप कहीं आउट साइज़ में छीलना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे नीचे करके कहीं से भी वायर को रख के छील सकते हैं। तो आमतौर पर जब हम इसे किसी काम के लिए छील रहे होते हैं तो हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं। इससे हमें ये आइडिया रहता है कि हमने वायर को जो है बिल्कुल सही तरह से रखा है, और इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए वायर को ये आसानी से छील सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने वायर को कितने आराम से छील लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसमें ये वायर छील सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस डीसी फैन की वायर की। तो दोस्तों इस वायर को हम पहले कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे छील के देखेंगे। दोस्तों हमें यहाँ से इस पूरी वायर के जो तीनों वायर हैं इनको एक साथ ही यहाँ पे रख के इन्हें कट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ऐसे करके इसमें रखा और दोस्तों मैं इसे यूं करके कट कर देता हूँ। दोस्तों इसने आसानी से इन वायर्स को कट कर लिया है। अब हम इनमें से रेड वाले वायर को छीलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो रेड वाला वायर है मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और इस तरह से इसे आराम से प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये कितनी आसानी से इसने इसको छील लिया है, ये देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायर कितने साफ तरीके से बग़ैर डैमेज हुए इससे छीला जा सकता है, और इसको किसी तरह का, इसमें से कोई एक बारीक वायर भी नहीं डैमेज हुआ। तो ये वायर जो है इस तरह से हम छील सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों इसी तरह हम बाकी वायर को भी छील सकते हैं। मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी छील के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये एक और वायर छील लिया मैंने और बग़ैर किसी डैमेज के ये वायर भी छिल गया। अब हम यहाँ से इस येलो वाले वायर को भी इससे छील लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप जल्दी जल्दी अपने काम को आसान बना सकते हैं इस इंको कंपनी के वायर स्ट्रिपर की मदद से। तो दोस्तों ये तीनों वायर जो हैं हमने थोड़ी सी ही देर में छील लिए हैं, और इनमें से जो सबसे अच्छी बात जो है इनमें से कोई एक वायर भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ। अक्सर होता यह है कि कोई एक आध ऐसा बारीक वायर टूट जाता है जिसकी वजह से बाकी वायर्स पर लोड पड़ जाता है, तो यहाँ पे कोई भी नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ा। तो यहाँ तक इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं यूएसबी केबल की। तो दोस्तों यूएसबी केबल जो है इसके अंदर बारीक वायर्स हैं, पहले हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ इसे और आपके सामने इसे छीलने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने जो ऊपर की पहली कोटिंग है उसे आसानी से हटा लिया है। तो हम इसमें से बाकी जो वायर्स हैं इनको निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक है हम इसे हटा लेते हैं। दोस्तों इस प्लास्टिक को हटाने के बाद इसके अंदर से निकलती हैं पतली वाली वायर्स, और ये वायर्स जो हैं ये काफ़ी कमज़ोर और नाजुक वायर्स होती हैं। अगर इंको कंपनी के इस वायर स्ट्रिपर ने इन वायर्स को छील लिया तो ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का वायर स्ट्रिपर माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है और वाइट केबल है। तो सबसे पहले हम इस वाले रेड वाले वायर को छीलने की कोशिश करते हैं, और इसे छीलने के लिए सेम उसी तरह से मैं इसके अंदर लगाता हूँ। मैं इसमें लगाने के बाद इसे आसानी से बिल्कुल प्यार से इसको आहिस्ता से दबाता हूँ, और हम देखते हैं कि क्या इसने वायर को छीला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने बहुत ही अच्छी तरह से वायर को छील लिया है। इतने पतले वायर को भी इसने बग़ैर किसी परेशानी के, बिना डैमेज किए इसने छीला है, और इनमें से एक वायर भी दोस्तों टूटा नहीं है। इसी तरह अब हम दूसरे वाइट वाले वायर को छीलने की कोशिश करते हैं और हम इसके अंदर लगाते हैं, और आपके सामने है आप देख सकते हैं कि इसने वाइट वाले वायर को भी बड़ी आसानी से छील लिया है। तो ये दोनों वायर हमने छील लिए हैं। अब हम चाहें तो बाकी दो वायर भी छील सकते हैं इसी तरह से इसके अंदर लगाने के बाद। बस हमने करना ये है कि हमने इसको प्यार से प्रेस करना है, ज़ोर से, झटके से प्रेस नहीं करना। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको इसके अंदर चमकता हुआ इसका कॉपर नज़र आ रहा होगा, ये वायर भी इसने आसानी से छील लिया है। तो दोस्तों यहाँ तक इसका जो काम है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, एक्सीलेंट वर्क इसका है, और ये बग़ैर किसी वायर को डैमेज किए ये आसानी से तारों को छील सकता है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले केबल की। तो दोस्तों ये काफ़ी मोटा केबल है और इसके अंदर दो अलग अलग वायर हैं और दोनों वायर तकरीबन 7x36 के वायर से कुछ ही पतले हैं। तो इसके अंदर अगर हम इसे छीलने की कोशिश करते हैं तो पहले इसके लिए हमें इसके अंदर इसको लगाना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर लगाने के लिए हमें इसके अंदर रखे इसको प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके अंदर मुश्किल से आ रहा है। ये इसकी मैक्सिमम इसका वायर साइज़ है जिस वायर को ये छील सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे रखने के बाद मैं इसे ट्राई करता हूँ कि क्या ये यहाँ पर काम करेगा या नहीं। तो दोस्तों मेरे फुल प्रेस करने पर इसने वायर को एक तरफ से छीला है और अब मैं इसको पलट के रखता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ कि क्या ये यहाँ पर सही से काम करेगा या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना मोटा केबल इसने छील लिया है और इसके कवर को हमने ऊपर से उतार लिया है और जो अंदर वायर्स हैं वो इसके अपने जो एसी के वायर हैं वो इसके अंदर हैं और यहाँ से हम इन वायर्स को भी छीलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंदर से इसने कितनी आसानी से बग़ैर किसी वायर को डैमेज किए इन्हें छीन लिया है। इसके बाद हम दूसरे वाले वायर को इसके अंदर रखते हैं और उसे भी इसी तरह से छीलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के वायर मैंने आपके सामने इससे छीले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बगैर किसी तरह का वायर को नुकसान पहुंचाए ये इंको कंपनी का वायर स्ट्रिपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा एक साल का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं तब तो ये आपके पास हर हाल में होना चाहिए। इससे आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी और आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों आप इसे अपने घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है और आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप घर में जब भी कोई बिजली का काम करेंगे तो आप वायर को ईज़िली स्ट्रिप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो बहुत ज़रूरी है, आप कभी भी किसी ऐसी वायर को इससे छीलने की कोशिश ना करें जिसमें करंट आ रहा हो, यानी कि जिसका पीछे से पावर ऑन हो। ऐसे वायर को इसमें रख के छीलने की कभी भी कोशिश ना करें क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ तक मेटल आ रहा है। दोस्तों ये यहाँ तक, तो इसके अंदर जो मेटल है इसकी वजह से आपको इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का करंट लग सकता है। तो ये जो है ये बाहर रखी हुई वायर्स को छीलने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं या ऐसी वायर्स को छीलने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं जिसमें पावर ना आ रही हो। तो ख़ास ख्याल रखिएगा कि जिस वायर में करंट हो उसे बिल्कुल भी इससे छीलने की कोशिश ना करें क्योंकि यहाँ दोनों तरफ मेटल है और कहीं से भी अगर आपका हाथ टच हो गया तो आपको ज़बरदस्त किस्म का करंट लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंको कंपनी का वायर स्ट्रिपर पसंद आया होगा और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।